Twin flame current energy update, DMs are sensing the soul contract. Twin flames आपके लाइफ में after full moon of 29 September, जो चेंजिंग आएगी उसी की चैनलिंग हुई है. आपको तैयार होना होगा जिस ब्लेसिंग्स को ग्रैब करना आपका ड्रीम है. इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर एंड पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्सेस विल बी एट प्ले. पिछले कुछ मंथ से अगर आपने अपने लाइफ में कुछ अनसर्टेन या एमलेस लाइफ अगर आप जी रहे थे तो उसे उस एनर्जी से अब रिलीज करने का उस एनर्जी को अब रिलीज करने का टाइम आ गया है. बिकॉज द मोर यू स्टैग्नेट द लेस अपॉर्चुनिटी यू क्रिएट. इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाकर आपको पुश करता है ताकि आप अपने ओल्ड सेल्फ से बाहर आ सकें. कुछ ट्विन फ्लेम्स इमोशनल रोलर कोस्टर सा फील कर सकते हैं. कुछ ट्रिगर्स मिल सकते हैं. कुछ ऐसे पर्सन मिलेंगे जो इमोशनल ब्रिज का काम करेंगे. तो ऐसे में आप ओवरलोडेड वर्क से थोड़ा रेस्ट लें. जहां आप सो रहे हैं या रेस्ट ले रहे हैं वो एरिया, रूम एंड बेडशीट बिल्कुल क्लीन हो. अगर फ्रेश एंड क्लीन एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकें तो और भी अच्छा. सेज या इंसेंस स्टिक्स ज़रूर यूज़ करें, उसे जलाएं. देन आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल गेट योर विंग्स अगेन. यू गेट योर स्ट्रेंथ अगेन. अगर आप थोड़ा हैवी फील कर रहे हैं दैट मीन्स एनर्जी अराउंड यू इज़ बीइंग प्योरीफाइड बाई स्पिरिट गाइड्स. आपका रूम, आपका स्पेस और आपका बेडशीट अगर रेगुलरली क्लीन आप करते हैं तो नेगेटिव एंटिटी से भी बचा जा सकता है. नेगेटिव एंटिटी का अटैक आप कैसे जान सकते हैं कि आप पर हुआ है या हो रहा है? सोते वक्त रेस्टलेस फील होना, ड्रीम में नेगेटिव या वियर्ड चीज़ें दिखना, लगातार हेडेक बने रहना, और ये तब जब आप सोकर उठें. ये सब इंडिकेट करता है कि आप पर नेगेटिव एनर्जी का अटैक या साइकिक अटैक हो रहा है. आप फील कर सकते हैं कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आपकी लाइफ से कट ऑफ हो सकते हैं या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं. अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से टच में हैं तो आपको सुनने को मिल सकता है कि कुछ ऐसे डायलॉग्स जो आपने कभी उम्मीद नहीं की हो. योर ट्विन फ्लेम कैन से योर प्रेजेंस इज जस्ट लाइक थेरापेटिक और योर प्रेजेंस गिव्स मी इनर पीस. ऐसा आपके ट्विन फ्लेम आपको कह सकते हैं. डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी लैकनेस वाली रिसीव हो रही है. जैसे अब तक वो आपसे सपोर्ट और केयर आपसे मिलता रहता था, अब डिवाइन फेमिनिन अपने एनर्जी को बैलेंस एंड सेव करने में लगे हैं. तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जेटिक एब्सेंस को फील कर पा रहे हैं अपने डिवाइन फेमिनिन की. फुल मून के बाद की एनर्जी आपको डीपली कनेक्ट होना सिखाएगी. खुद आप अपने सोल के साथ कनेक्टेड फील करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोल ग्रोथ. थोड़े इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव बिहेवियर भी हो सकता है आपका डिवाइन फेमिनिन, पर ट्विन फ्लेम जर्नी में पेशेंस की बहुत अधिक ज़रूरत होती है. थोड़ा एंगर इशू भी एग्रवेट हो सकता है आपका, पर आपको इन शैडो साइड्स पर वर्क करना होगा. कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन फेमिनिन इनर स्ट्रेंथ फील करेंगे. फील कर भी रहे हैं आप. वहीं डिवाइन मैस्कुलिन्स थोड़े डीएक्टिव एंड अनएनर्जेटिक फील करेंगे. डिवाइन मैस्कुलिन्स आर इन सेल्फ पिटी टाइप सिचुएशन. दे आर डीलिंग विथ पास्ट एडवर्सिटीज. कुछ डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में सोलमेट्स की री एंट्री भी हो सकती है. ये वो सोलमेट्स होंगे जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में. दिस इज क्वाइट नेचुरल. व्हेन डिवाइन फेमिनिन बिकम एनर्जेटिकली पावरफुल देन दे ऑटोमेटिकली मैग्नेटाइज सोलमेट्स इन देयर लाइफ. डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में टावर मोमेंट शुरू हो गया है. डीएम अपने मन में क्वेश्चन कर रहे हैं कहाँ गलती हुई, कहाँ वो स्टक हैं. ये सभी बर्निंग क्वेश्चन अब डीएम को परेशान कर रहे हैं. आप दोनों का इंट्यूशंस प्रॉपरली आपको गाइड करेगा. एनर्जेटिक शिफ्ट आपके करेज में, आपके स्ट्रेंथ में, आपके विजडम में देखी जाएगी. कुछ डिवाइन फेमिनिन
ट्रैवल भी कर सकते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन सपने डीएफ से कनेक्ट करना चाहेंगे ये कहने के लिए कि कितना वो अब बदल गए हैं। दे आर ट्राइंग टू बेटर देमसेल्व्स एंड वाइल डूइंग सो दे विल ट्राई टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम यू। पर अब डीएम चाहते हैं कि चेंज्ड पर्सनालिटी को आप भी देखें। जो डीएम पहले इस जर्नी में कुछ वर्क उन्हें भी करना होता है जो वो भले ही अननोइंगली करते हैं, और वो इस प्रोसेस पर थे, इसीलिए आपसे हाइड उन्होंने आपसे सेपरेशन लिया था या आपसे हाइड किए हुए थे अपने आप को, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को। तो वो अब चाहते हैं कि आपको अब ये दिखाएं कि वो कितना चेंज हो गए हैं, कितना बदल गए हैं। डीएम वॉन्ट्स टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, देयर हार्ट चक्रास आर ओपनिंग। डिवाइन मैस्कुलिन सब डेली रूटीन में कम्युनिकेशन चाहते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन से। एनर्जेटिक लैकनेस फील कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स एक्सेप्टेंस मोड में है अपने फीलिंग्स को लेकर, चाहे पास्ट में जितना डिनाई किए हैं पर अभी एक्सेप्टेंस में हैं। दे वॉन्ट टू ओपन देयर हार्ट बिफोर यू। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर इन डीप स्पिरिचुअल लोनलीनेस टू। आगे की चैनलिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी में दी जाएगी, तो क्योंकि आगे की चैनलिंग में इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बात कही हूँ क्योंकि चैनलिंग मुझे इतना ही रिसीव हुआ है एंड मुझे जितना चैनलिंग रिसीव होता है मैं सिर्फ उसी को डिलीवर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट चैनलिंग के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये यहाँ तक ही आज की चैनलिंग एंड हो रही है। डीप साइलेंस डीप स्पिरिचुअल लोनलीनेस में डिवाइन मैस्कुलिन्स इन दिनों हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है ट्विन फ्लेम रियूनियन के लिए। अभी सामने 10-10 पोर्टल, उसके बाद 11-11 पोर्टल में ढेरों रियूनियंस होंगे। मुझे उम्मीद है आप अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे और साथ ही आप सबके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स कि आप सब भी अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से रीयूनाइट हों। ट्विन फ्लेम रिलेटेड कोई गाइडेंस या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो वाकई आपके ट्विन फ्लेम है, इस कंफर्मेशन के लिए अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग या लाइफ सिचुएशन की कोई भी आपकी अगर लाइफ सिचुएशन है, अगर आपको कोई भी लव रिलेटेड रीडिंग अगर आपको चाहिए, तो पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन या ट्विन फ्लेम इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं फीस जानने के लिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड होता है। तो ये थी आज की चैनलिंग, जो कि मैंने वेट किया अब तक कि अगर कुछ और चैनलिंग हो जाए तो आई विल श्योरली हैव टू डिलीवर टुवर्ड्स यू, लेकिन इतना ही चैनलिंग मुझे मिला है। बट हाँ, ये चैनलिंग आगे भी मुझे कंटिन्यू में अगर मिलेगा तो मैं आपको श्योर एंड शॉर्ट डिलीवर करूँगी। थैंक यू वेरी मच माई सोल फैमिली फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।